चलती हुई लोगों के दरमियान सबसे अच्छी चीज में आप देख रहे हैं इस तरह से बिल्कुल देख सकते हैं किस तरह से ये पीडीपी के लीडरान लोग जो यूथ लीडर हैं उनको यहाँ पे जो डिटेन कर लिया जाए और जम्मू कश्मीर पुलिस की जानिब से लगातार ये डिटेन किया जा रहा है और उनको जो गाड़ियों में बिठाया जा रहा है ये आप देखें तस्वीरें देखें वहीं उसी जगह पर डिटेन किया जा रहा है बिल्कुल एक एक करके तमाम पार्टी का ना मंजूर ना मंजूर। ये देखिए सियासी दहशतगर्दी ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर सियासी दहशतगर्दी ना मंजूर ना मंजूर ना मंजूर। अरे मोदी जब जब डरता है इसको आगे करता है मोदी जब जब डरता है इसको आगे करता है। अरे मोदी जब जब डरता है मोदी जब जब डरता है मोदी जब जब डरता है अरे मोदी जब जब डरता है मोदी जब जब डरता है तहसीलदार मोर्चा तहसीलदार को डिटेन कर लिया गया तहसीलदार को डिटेन कर लिया गया शमीम गनई तहसीलदार जी क्या कहेंगे आप तहसीलदार जी क्या कहेंगे आप तहसीलदार जी क्या कहेंगे आप तहसीलदार जी लाइव है तहसीलदार को डिटेन कर लिया गया देखिए चार दिन पहले जो है प्रोग्राम बना मोहतरमा का कि वहाँ जाना है तो उस वक्त उन्हें हॉर्स अरेस्ट कर दिया गया। हम लोग सुरनकोट से हमने कोशिश की हमें नहीं आने उसके बाद तीन चार बार हमने अटेम्प्ट की पीडीपी के लोगों ने हमें नहीं आने दिया गया। परसों यहाँ बीजेपी का स्टेट का सदर जो है रविंद्र रैना वो आया हुआ था उसको इजाज़त दी गई। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप आई हुई थी इजाज़त दी गई। आज पहले तो नीचे से हमारी गाड़ियां जो है रोक के वहां से पैदल हम 7.5 किलोमीटर यहां पहुंचे अपनी सदर मोहतरमा के साथ और यहां जंगल के बिल्कुल बीच बहुत ही ख़तरनाक जगह ना जाने लोगों ने क्या इसमें प्लानिंग कर रखी है क्या अजायम है इनके। यहां जो है एक घंटे से ज़्यादा वक्त हो गया है धरने पर सदर मोहतरमा और सारे जो पार्टी के जुमा लोग हैं वो बैठे हैं। आप ज़ोर ज़बरदस्ती से उठा के हमें डिटेन करके गाड़ी में बैठा दिया गया है और सदर मोहतरमा को भी डिटेन कर रहे हैं और आगे हमें नहीं जाने देते। लगता है कि कुछ ऐसे छुपे हुए राज हैं जो ये समझते हैं कि अगर मोहतरमा महबूबा मुफ्ती वहाँ पहुँची और उन वो राज जो है उनसे वो पर्दा उठेगा और जो इनके गनामने जुर्म है जो इन्होंने गनामने जो है करतूत किए हैं उन सब से पर्दा उठेगा। इस डर के मारे ही आगे नहीं जाने दे रहे हैं वरना ताजियत के लिए जाना कौन सा गुनाह है कौन सा जुर्म है कौन से खिलाफ कानून है ये इस वक्त यहाँ ऐसा लगता है कि रूल ऑफ जंगल जो है परवेल कर रहा है। बिल्कुल यहाँ पूरी एक छावनी बनाई हुई है आर्मी की पुलिस की सीआरपी की और पूरे हिंदुस्तान के आइन के और जमहूरियत पसंद जो लोग हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये कितनी बर्बरियत कितना यहाँ कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह यहाँ जख्मी लोगों को बेबस लोगों को जिनके लवाइकीन लुकमा अजल किए गए उनके साथ हजारे हमदर्दी के लिए भी हमें नहीं जाने दिया जा रहा है। ये हम इस सिलसिले में तमाम जो अमन पसंद लोग हैं उनको ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस बर्बरियत इस तानाशाही के खिलाफ उठ खड़े होने की जरूरत है। उनको ले जाते हुए गाड़ियों की तरफ सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम कारकुनान को उठाया गया क्या हो रहा है आपके तमाम कारकुनान को जो है वो डिटेन कर दिया गया है और आप किसी जगह के आपने ताजियत में जाना ही जाना है। क्या कहना है कि बीजेपी सरकार आपसे इतनी डरती है कि आपको वहाँ पर ताजियत के लिए नहीं आप खुद ही देख रहे हैं देख लीजिए क्या कर रहे हैं ये लोग आखिर में आप क्या घसीट रहे हैं हमारे लोगों को आपके तमाम कारकुनान को उठा लिया गया है अब आप क्या कहेंगे अब आपका क्या लायमल होगा अब अगर कानून का डर होता तो इस तरह से नौजवानों को कत्ल नहीं किया जाता अब मैडम को उठाया जा रहा है यहाँ से आओ मैडम आप यहाँ से आओ किस तरह से मैडम आपको किस तरह से